हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अपना राजबराज। आपके सामने रहा हूँ एक बार फिर से अप्रैलिया 457। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि अप्रैलिया 457 के अंदर हमने बहुत सारी मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने आपको दिखाया था एग्जॉस्ट जो कि डिकेड सिस्टम लगाया था, तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ये अप्रैलिया एक ऐसी बाइक है जो सुपर बाइक का टच देती है एग्जॉस्ट लगने के बाद। जैसे कि आपने अगर वीडियो चेक नहीं की हो तो लास्ट वीडियो में जाकर चेकआउट कर लेना, जो कि आपको देखने में मिल जाएगा वहाँ पर। और अब मैं दिखाता हूँ इस वाइट ब्यूटी के अंदर, इसके अंदर हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किए, क्योंकि ये नीडफुल मॉडिफिकेशन जो कि आपको देखने में मिलेगी इसके अंदर अप्रैलिया 457 की। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, देख सकते हो ये इसके लीवर गार्ड जो कि आपको मिलेंगे। गाड़ी का कलर है वाइट एंड ब्लैक, तो आपको ये भी दिया गया है ग्रे एंड ब्लैक की मैचिंग के आपके लीवर गार्ड्स, जिससे आपके लीवर भी सेफ होंगे और साथ में ना आपके हैंड भी होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और लुक भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है इसे लगाने के बाद। लुक चेकआउट कर लो कैसी आती है इसके लगने के बाद। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर बोबो का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर जो कि मिल जाता है आपको स्पाइडर लुकिंग के अंदर। और इसके अंदर मोबाइल लगाने के बाद समझ लो एक बार लगा देना मोबाइल तो कोई निकाल भी नहीं सकता, इतना हैवी है। मैं समझाया तो कैसे, तो ये देखिए ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। और इंस्टॉल होने के बाद ये नीचे ना, इसके नीचे दिखाइए, ये नीचे इसका एक स्क्रू है। इस स्क्रू को अगर हम टाइट कर देंगे ना, तो जैसे कि हम इसे ऊपर करके को निकाल दें, तो अब देखो ना तो ये ऊपर होगा ना ही निकलेगा फ़ोन। एक बार लगने के बाद पूरी तरीके से हो जाता है होल्ड, और कहीं भी चोरी होने का खतरा समझ लो 110% ख़त्म हो गया ये लगाने के बाद। और लोग पता क्या करते हैं, लोग बाइक तो इतनी महंगी खरीद लेते हैं, और बहुत से लोग क्या होते हैं ना, चीपेस्ट एडवाइस करते हैं कि भाई ये लगवा लो, ये बढ़िया है, वो है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जैसी बाइक है और जैसा फ़ोन है उसी तरीके आप काम कराएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा काम कराने में। जैसे कि आप देख सकते हैं बोबो को मेरे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। लोग क्या 100-150 लगाए थे, बट आपको फ़ोन वो रास्ते में कहीं भी खुल के गिर जाएगा, स्क्रैच बाइक पे भी आएगा और आपका फ़ोन भी टूट जाएगा। तो वो काम ना करवाएं जो लोग कर रहे हैं, जो करवाओ बढ़िया करवाओ, टॉप क्वालिटी करवाओ, आपको बेनिफिट उससे मिलने वाला है इसके अंदर। और साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको इसके अंदर ये इसके शॉक प्रोटेक्शन, ये आपके फॉक्स रेडर शॉक प्रोटेक्शन से आपको पता ही है क्या होता है, मडगार्ड सेफ हो गया आपका, यूएसजी शॉकर जो कि आप देख सकते हो, ये बीच की जो लेंथ दिख रही है ना इसकी शाइनिंग वाली, अगर उस पर जरा सा भी कुछ लग गया ना तो ये पूरा होगा डैमेज। और ये डैमेज होने के बाद समझ लो पूरा शॉकर आपको नया लेना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको वेटिंग पीरियड डालना पड़ेगा कंपनी के अंदर, कम से 1-2 महीने का समय और ख़राब होगा, पैसे भी लगेंगे और ये चीज़ आपको जल्दी से मिलेगी भी नहीं। तो उसकी सेफ्टी के लगा इसके अंदर शॉकर प्रोटेक्शन, ये होता है आपका फॉक्स रडर जो आपकी ABS प्लेट और आपकी डिस्प्ले, ये इसको करता है सेफ। और ना लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है लगने में, इस तरफ भी देख लो सेम देखने में मिलेगा आपको, उस तरफ लुक चेकआउट कर लो कैसे दोनों तरफ से। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर ईवोटेक के ओरिजिनल फ्रेम स्लाइडर, जो कि आपको पता है 90% मैं ईवोटेक के यूज़ करता हूँ, इसमें वही ईवोटेक के लगा देंगे इसके अंदर फ्रेम स्लाइडर ग्रे एंड ब्लैक की मैचिंग के साथ, जैसे कि बाइक का कलर है उसी तरीके से। इधर देखा आपने, सेम देख लो आप इस तरफ थोड़ा, ये देखिए बिल्कुल क्लोज करके जाता हूँ, ये देखो ये ओरिजिनल ईवोटेक है, चेक कर लो इसके अंदर ईवोटेक के जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसे लगाने के बाद आपकी पूरी फेयरिंग और आपके साइड के पैनल्स और आपके खुद के लैग्स ये होंगे इससे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और अब एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं आप नीचे आपको देखने मिलेगी इसके अंदर साइड स्टैंड जैकेट, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है, क्योंकि इसका स्टैंड वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, जो नीचे वाला है उसको प्रोटेक्ट भी करेगा, सेफ भी हो जाएगा, प्लस कहीं भी गाड़ी आपकी खड़ी तो स्टेबल खड़ी रहेगी। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर स्पूल्स पीछे लगा रखे हैं, ये देखिए ये स्पूल्स है जो कि आपको देखने मिल जाएंगे। इधर भी सेम मिलेगा आपको इस तरह, इसमें क्या होगा इसे लगाने के बाद पेडॉक वगैरह कुछ भी इसके अंदर लगाना हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा इजी इस बाइक के लिए, क्योंकि ये बाइक में इन बाइकों में सेंटर स्टैंड तो होता नहीं है, और पेडॉक और लगाते हैं कहीं पर तो इसमें निशान आया था कहीं बॉडी में लगाएंगे तो इसके लिए इसमें स्पूल्स लगा दिए गए हैं जिससे आपके निशान बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं इसके अंदर। और ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन। मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा और कैसे आई। तो हेलो सर, पहले तो सॉरी थोड़ा वेट करना पड़ा। नहीं कोई इशू नहीं। अभी बताए आप कहाँ से आए थे और कैसा लगा काम। मैं गुड़गांव से आया हूँ, काम प्रशांत नाम है मेरा, और काम अच्छा लगा, मतलब प्रॉपर फिटिंग का है, प्रोफेशनल है सारे, तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई। जैसा सोच कर आए थे वैसा मिला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वीडियो देख के आया था एक्चुअली आपका, और अच्छा काम लगा सब। कौन सा वीडियो देखा था आपने लास्ट में? मैंने एग्जॉस्ट का ही देखा था। चला लास्ट एग्जॉस्ट का ही देखा। तो आपने एग्जॉस्ट क्यों लगवाया? एग्जॉस्ट अभी नहीं लगा रहे क्योंकि थोड़ा पुलिस का भी रहता है, बट मेरे को इसमें वो है कोई इशू नहीं है, एग्जॉस्ट से थोड़ा वेट ही बढ़ेगा, तो अभी वेट बढ़ेगा वेट घटेगा। अच्छा, इसका हटके वेट कर जाएगा क्योंकि इसका जो कैथलिंग है ना नीचे से, वो कैथलिंग हटेगा इसका, कैथलिंग में वेट ज़्यादा होता है और नॉर्मल एक बैंड पर बच जाएगा इसके अंदर सुपर बाइक वाला, और उसके बाद आपका इजीली इसके अंदर एग्जॉस्ट फिट हो जाएगा। बट वही अभी मेरे को मतलब साउंड से सेटिस्फाइड हूँ, इतना लाउड मेरे को चाहिए नहीं, तो ठीक है अभी तो। सारे लोगों कमेंट्स आ रहे थे कि भैया एग्जॉस्ट लगाओ एग्जॉस्ट लगाओ एग्जॉस्ट, फाइनली मैंने एग्जॉस्ट लगाया तो लोगों ने थैंक्स मेरा किया कि आपने अच्छा हुआ एग्जॉस्ट लगा देगा, इंडिया में अभी तक किसी ने लगाया नहीं एग्जॉस्ट।
एससी लॉन्च ही नहीं हुआ, और अगर लॉन्च होगा अगले साल होगा, अगले साल नहीं एक दो महीने में लॉन्च होने वाला, एक महीने लॉन्च होने वाला है, मतलब इंडिया में आता है टाइम लगेगा, इंडिया में आता है टाइम बेशक लगेगा, लेकिन उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 1,40,000 1,30,000 अराउंड उसका रेट होने वाला है जो इसका लॉन्च होने वाला है। अब इतने पैसे खर्च करा हुआ एग्जॉस्ट के ऊपर, तो आई थिंक 5 लाख की तो बाइक ही है, 5 लाख की बाइक मेरे मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है, जो मैं करूँगा वो समझ लो ना सिर्फ 0-0 डालनी है और कुछ नहीं करना, बाकी समझदार आप लोग। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए, और आपको भी कराना है ऐसी अपनी किसी बाइक के अंदर मॉडिफिकेशन, चाहे आपके प्रेली हो, चाहे आपकी सुपर बाइक हो, चाहे आपकी स्कूटी या बाइक कुछ भी हो, तो आ सकते हो अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलते हैं दिल्ली करोड़ और नायवेलन के अंदर। मेरी दो शॉप मिलेंगी आपको, सबसे पहले लोकेशन समझाया दूँ कैसे, वैसे डिस्क्रिप्शन लोकेशन एड्रेस सब डाला हुआ है, बट फिर भी समझा दूँ कि आप लोगों को ईजी रहेगा, कभी भी आते हो ना बिना कॉल करे भी, तो आपको आना पहले झंडे वाले मेट्रो स्टेशन के अपोजिट हनुमान जी की बड़ी वाली मूर्ति जो विशाल मूर्ति है, वहाँ पर आने के बाद आपको मात्र 100 मीटर की दूरी मिलेगी मेरी शॉप की, जो कि ये वाली मिलते हैं जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, और वहाँ से आने के बाद आप किसी से पूछोगे कि भैया इसमें आर्य समाज रोड कौन सा है, पहले तो वो बता देगा, ठीक है ना। दूसरी बात, आर्य समाज रोड जो है ना एक ऐसा रोड है, ये आपका गफार मार्केट का भी रोड है, यही आपका कार मार्केट का रोड है, और यही आपका बाइक मार्केट का रोड है, मतलब कहीं से भी आप जाते हैं ना तो पहले आपको इसी रोड पर आना पड़ेगा हनुमान जी की मूर्ति के अपोजिट, ठीक है ना। इस पे आने के बाद पहले चौक पर मिलेगी हमारी ये वाली शॉप, जो कि राजू भाई के नाम से मिल जाएगी, और सेकंड शॉप मिलेगी मेरी, वो भी आर एस समाज रोड पर ही मिलेगी, वो मिलेगी सेकंड चौक पर। तो दोनों चौक पर आपके अपने भाई की शॉप मिल जाती है, आपको उधर भटकने की जरूरत है ही नहीं, बाकी अगर ना मिले तो भैया आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पिक भी कर लिया जाएगा। बाकी वीडियो चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, राजू भाई को जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर, से मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय श्री राम, जय मंत्री, गुड बाय।